अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम किचन। आज ईद मिलादुन्नबी है और आप सबको बहुत बहुत ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। आज मैं होम किचन में मटन यखनी पुलाव बना रही हूँ और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें मैंने 1.25 किलो मटन लिया है, 1.25 किलो राइस लिए हैं, इसमें मैंने एक लार्ज साइज का अनियन लिया है जिसको मैंने बड़े बड़े चंक्स में काट लिया है, एक होल गार्लिक लिया है इसके छिलके के समेत, और एक इंच जिंजर लिया है। इसकी स्पाइसेस में यखनी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें मैंने 4 टीस्पून होल कोरिएंडर लिया है, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टीस्पून ब्लैक ज़ीरा, 5 टीस्पून सॉल्ट, 15 to 20 ब्लैक पेपर्स हैं, 5 to 6 क्लॉव्स हैं लॉन्ग, और 2 to 3 हैं बे लीव्स, 3 सिनेमन स्टिक दालचीनी, 3 बड़ी इलायची और 1/2 टीस्पून इसमें मैं रेड चिली पाउडर यूज़ करूँगी। सबसे पहले जो है वो पुलाव की यखनी तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पॉट में मटन डालकर उसमें 2.5 लीटर जो है वो पानी डाल दिया। अब इसमें मैं गार्लिक और जिंजर भी डाल दूंगी, इसको मैंने स्किन के साथ डाला है गार्लिक को, और इसमें अनियन जो मैंने चंक्स में काटा था वो भी डाल देंगे, और इसमें जो बाकी सारी स्पाइसेस हैं वो भी हम यखनी बनाने के लिए सारी इसमें डाल देंगे। अब इन सारी चीजों को हम इसमें मिक्स कर देंगे, और जब तक इसमें बॉयल नहीं आता इसको मैं बॉयल होने का वेट करूंगी, और जैसे ही बॉयल आएगा फिर इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी, जब तक गोश्त कम्प्लीटली जो है वो टेंडर हो जाता है और फिर हमारी यखनी जो है वो तैयार हो जाएगी। व्यूअर्स, यखनी तैयार हो गई है, देखें इसका गोश्त जो है वो कम्प्लीटली टेंडर हो गया, देखें कितना सॉफ्ट हो गया। अब इसमें से मैं गोश्त को अलहदा कर लूंगी और यखनी को स्ट्रेन करके रख लूंगी। व्यूअर्स, अब मैं यखनी पुलाव के सेकंड स्टेप में हूँ और इसके लिए हम सबसे पहले इसका तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 मीडियम साइज अनियन लिया है, 1/2 कप ऑयल लिया है, 1/2 कप योगर्ट, और इसके होल स्पाइसेस में मैंने 2 से 3 बे लीव्स लिए हैं, 1/2 टीस्पून वाइट ज़ीरा, 1/2 टीस्पून ब्लैक ज़ीरा, 15 to 20 ब्लैक पेपर्स हैं, 5 to 6 क्लॉव्स हैं लॉन्ग, 3 हैं बड़ी इलायची, 2 सिनेमन स्टिक दालचीनी, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला है जो मैं दम पे स्प्रिंकल करूंगी, और 1 इंच जिंजर है जिसको मैंने इस तरह जूलियन स्टाइल में काट लिया है। तो चलिए इसका तड़का तैयार करते हैं। पुलाव का तड़का तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं एक पॉट में ऑयल डालूंगी 1/2 कप, और इसमें फिर अनियन भी डाल दूंगी, मैं फ्राई करूंगी जब तक इसका कलर जो है वो मीडियम ब्राउन हो जाता है। अनियन जो है वो मीडियम ब्राउन हो गया, अब इसमें मैं जिंजर डालूंगी और इसको भी अनियन के साथ थोड़ा सा फ्राई करूंगी फ्यू सेकंड्स के लिए। तो मैं सारे साबुत गरम मसाले जो हैं वो भी डाल दूंगी और उनको भी ऑयल के साथ और प्याज के साथ फ्राई करूंगी फ्यू सेकंड्स के लिए। अब मैंने मसालों को अनियन के साथ इन सारी चीज़ों के साथ फ्राई कर लिया, अब इसमें मैं गोश्त भी डाल दूंगी और उसको भी फ्यू मिनट्स के लिए फ्राई करूंगी इसी तरह। अब इसमें मैं 1/2 कप योगर्ट डाल दूंगी, और इसको भी फ्राई करेंगे। मैंने 5 मिनट तक गोश्त को योगर्ट के साथ और सारी चीज़ों के साथ फ्राई किया, अब इसमें मैं यखनी डाल दूंगी। अब मैंने गोश्त में यखनी डाल दी है, अब मैं जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो मैं इसमें राइस भी डाल दूंगी। यखनी में बॉयल आना शुरू हो गया, अब इसमें मैं चावल डाल दूंगी। चावलों को मैंने 1/2 आवर पहले जो है वो पानी में सोक किया था। बस मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं और पानी का लेवल जो है वो चावलों से 1 इंच जो है वो ऊपर होना चाहिए।
अब जैसे ही इसका पानी ड्राई होने वाला होगा हम इसका सॉल्ट उस स्टेट पे देख सकते हैं। व्यूअर्स, चावल जो हैं वो 80% जो हैं वो कुक हो चुके हैं और इनका पानी भी ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं गरम मसाला जो है वो स्प्रिंकल करूँगी और इसको 10 मिनट्स के लिए दम पे रखूँगी। व्यूअर्स, मैंने 10 मिनट्स के लिए पुलाव को रखा था दम पे, अब इसको चेक करते हैं। जबरदस्त सा पुलाव जो है वो तैयार हो गया, अब इसको मैं डिश आउट करूंगी। और व्यूअर्स, हमारा डिलीशियस सा मटन यखनी पुलाव तैयार हो गया, मैंने इसको डिश आउट कर लिया। आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी है, आपकी और आपकी फैमिली इसको बहुत लाइक करेंगे। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ हाजिर हूँगी। अल्लाह हाफिज़।